ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा। तो अब भगवान शिव इन प्रचेताओं को अपने अंतिम निर्देश देते हैं इन प्रार्थनाओं के बारे में। वो कहते हैं, हे प्रचेताओं, भगवान हरि सबके हृदय में विराजमान है, उनको ढूंढना मुश्किल नहीं है। तो जैसा मैंने बताया है, इन प्रार्थनाओं के द्वारा भगवान के ऊपर ध्यान लगाओ, जो सबके हृदय में है और तुम्हारे हृदय में भी भगवान है। और वो कहते हैं कि जब ब्रह्मा जी इस भौतिक संसार की रचना करना चाहते थे, भगवान ने, ब्रह्मा जी ने ये प्रार्थनाएं भगवान से की थी। इसी प्रकार से जब ब्रह्मा जी ने मुझे, मतलब भगवान शिव को, और अन्य साधुगणों को, जो महान साधुगण थे, जैसे अनेकों ऋषिगण हैं, कश्यप मुनि हैं, गौतम मुनि हैं, तो जितने भी महान ऋषिगण हैं, जब भगवान ने इनको प्रजापति के रूप में कार्य सौंपा और उनसे कहा कि तुम प्रजा बढ़ाओ इस संसार के अंदर में, तब ब्रह्मा जी ने यही प्रार्थनाएं हम सबको भी प्रदान की। और इन प्रार्थनाओं के द्वारा हम भौतिक कार्य करते हुए भी हम उसमें नहीं फंसेंगे, क्योंकि देखिए, ये जो प्रजा का सृजन करने का कार्य है प्रजापतियों के द्वारा, ये भगवान ने सबसे पहले ब्रह्मा जी को कार्य सौंपा, सबसे पहले इस भौतिक संसार के अंदर में कोई भी जीव नहीं था, भगवान ने इस संसार की, इस ब्रह्मांड की रचना तो कर दी, लेकिन इसके अंदर में जीव नहीं था। सबसे पहला जीव का जन्म किसने दिया? भगवान महाविष्णु, उनसे विस्तार होकर के आए गर्भोदक्षाई विष्णु। गर्भोदक्षाई विष्णु इस ब्रह्मांड के गर्भोदक सागर में अपनी योग निद्रा में लेट जाते हैं और उनके गर्भ से एक कमल का फूल खिलता है जिसके ऊपर ब्रह्मा का जन्म होता है। तो भगवान कितनी रचना करते हैं अपनी तरफ से, भगवान ने ब्रह्मांड बना दिया और भगवान ने ब्रह्मा जी को बना दिया। अब आगे का काम भगवान ब्रह्मा जी को सौंप देते हैं कि आगे के कार्य तुम करो। तो ब्रह्मा जी क्या करते हैं, ब्रह्मा जी के द्वारा रुद्र का जन्म होता है और अन्य महान संतों का जन्म होता है और इनको प्रजापति के रूप में ब्रह्मा जी कहते हैं कि तुम अब सृष्टि का निर्माण करो, अनेकों प्रकार के जीव जो हैं उनकी देह को बनाओ। तो यही हम देखते हैं कि सबसे पहले जब
चार कुमारों का जन्म हुआ था, उनको भी ये कार्य सौंपा गया था कि तुम सृष्टि बढ़ाओ, इस भौतिक संसार के अंदर में जीवों की संख्या को बढ़ाओ। तो उन्होंने तो मना कर दिया था और उसके कारण ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया था। उसी क्रोध के द्वारा रुद्र का जन्म हुआ और भगवान शिव जो हैं उन्होंने जब रचना प्रारंभ की तो उनसे भूत पिशाच प्रेत इन सब की उन्होंने जो है रचना प्रारंभ की। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम्हारा अभी कार्य नहीं है, तुम इस प्रकार की प्रजा मत बढ़ाओ, अच्छी प्रजा जो है उनका सृजन करना है। तब ब्रह्मा जी ने अन्य जो महान अपने शरीर से महान संतों को जन्म दिया और इन महान साधुओं के द्वारा इन संतों के द्वारा जो है प्रजापति का कार्य उनको सौंपा गया। जैसे स्वयंभू मनु हैं उनके द्वारा, और हम देखते हैं कर्दम मुनि हैं उनके द्वारा, कश्यप मुनि हैं उनके द्वारा, इन सब महान संतों के द्वारा जो है आगे भौतिक संसार के अंदर में अनेकों प्रकार के प्राणी जो हैं उनका सृजन होता है। तो ये क्या है, एक प्रकार से भौतिक कार्य है। तो जब भौतिक कार्य में व्यक्ति लगता है तो उसका मन भी भौतिकता में डूब जाएगा। अगर आप बिल्डिंग बनाते हैं, घर बनाते हैं, तो हमारा मन भी जो है अनेकों प्रकार के भौतिक पदार्थों में ही डूबा रहेगा, भगवान की भौतिक शक्ति में डूबेगा। लेकिन यहाँ पर यही शिव जी कह रहे हैं कि तुम्हें भी जो है ये कार्य सौंपा गया है हे प्रचेताओं, कि तुम जाकर के जो है जनसंख्या बढ़ाओ, तुम जो है प्रजा का सृजन करो। तो जब हमने भी प्रजा का सृजन किया था तो हमें भी जो है ये प्रार्थनाएं ब्रह्मा जी ने प्रदान की थी। इन प्रार्थनाओं के द्वारा हम भौतिक कार्य करते हुए भी भौतिक बंधनों में नहीं फंसेंगे। ये एक प्रकार का सीक्रेट जो है ब्रह्मा जी ने रुद्र को, शिव जी को और बाकी सभी प्रजापतियों को दिया था। और यही गुरु परंपरा में शिव जी जो हैं अपने शिष्य इन प्रचेताओं को भी प्रदान कर रहे हैं कि तुम्हारा कार्य भी प्रजा सृजन का है, तो प्रजा का सृजन करोगे तो तुम भौतिक कार्य में लगोगे, भौतिक कार्यों में लगोगे तो भौतिक भव बंधनों में बंध जाओगे। लेकिन उसका निवारण क्या है कि अगर तुम इन प्रार्थनाओं का ध्यान पूर्वक जप करोगे तो जो भी तुम भौतिक कार्य कर रहे हो उसमें नहीं फंसोगे। ये हम सब के लिए बहुत बड़ी सीख है। हम लोग भी अनेकों प्रकार के भौतिक कार्यों में लगे हुए हैं, तो हमें अपने भौतिक कार्य छोड़ने की जरूरत नहीं है। कोई व्यक्ति डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई कॉन्ट्रैक्टर है, कोई बिल्डिंग बना रहा है, अनेकों प्रकार के हम लोग अपने कार्यों में लगे रह सकते हैं। जैसे ये भी लगे हुए थे प्रजा के सृजन के कार्य में, तो हमारे भी अनेकों प्रकार के भौतिक कर्म होते हैं। तो यहाँ पर शिव जी क्या बता रहे हैं प्रचेताओं से कि जब हमें भी ये कार्य सौंपा गया था कि हमें प्रजा का सृजन करना है जो भौतिक कार्य है, तो भौतिक भव बंधनों में ना बंधने के लिए ब्रह्मा जी ने हमें ये प्रार्थनाएं प्रदान की। तो ये हम सीख सकते हैं कि हम अनेकों प्रकार के भौतिक कार्य जरूर कर रहे हैं, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि उन कार्यों के फलों में हम बंधे ना, हमारा भौतिक बंधन ना हो, हम फिर भी मुक्त रहें, तो हमें जो है उनके साथ साथ में ये आध्यात्मिक मंत्रों का, प्रार्थनाओं का जप करना चाहिए। भगवान ने भी भगवद्गीता में अर्जुन को यही निर्देश दिए थे,
भगवान ने देखिए क्या कहा था अर्जुन को, अर्जुन से कहा मामस्मरेण युद्ध च, युद्ध करो लेकिन युद्ध के साथ साथ में मेरा स्मरण भी करो, केवल युद्ध मत करो, वो केवल भौतिक कार्य हो जाता है, लेकिन अपने जो भी हम कर्म कर रहे हैं, ब्राह्मण का कर्म है, क्षत्रिय का कर्म है, शूद्र का कर्म है, जो भी हम कर्म कर रहे हैं, उस कर्म के करने के साथ में अगर हम आध्यात्मिक मंत्र का जप भी करते हैं, भगवान को याद रखते हैं, तब हम अपने भौतिक कार्यों में फंसेंगे नहीं, हम फिर भी मुक्त रहेंगे इस संसार से। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बातें जो हैं भगवान शिव प्रचेताओं से कह रहे। अब आगे उनको बताते हैं कि अगर तुम ध्यान पूर्वक इन मंत्रों का जप करोगे, ये जो मैंने प्रार्थनाएं प्रदान की हैं, तो तुम्हें क्या लाभ, आध्यात्मिक लाभ क्या प्राप्त होगा। तो बड़ा सुंदर वर्णन करते वो कहते हैं, सबसे पहले ज्ञानम निःश्रेयसाय परमः नौ व्यसनम अर्णवः, मतलब क्या कह रहे हैं, ज्ञानम निःश्रेयसाय परम, तुम्हें आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। आध्यात्मिक ज्ञान क्या है, निःश्रेयसाय परम, मतलब जो परम ज्ञान होता है, जिसके द्वारा व्यसनम अर्णवम, इस भौतिक व्यसनम का मतलब है डेंजरस, बड़ा ही डरावना ये जो भव सागर है, इस ज्ञान के द्वारा, इस ज्ञान की नौका में बैठ करके तुम इस भौतिक भव सागर को पार कर पाओगे। मतलब इन मंत्रों का जप करने से आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति होगी, उस आध्यात्मिक ज्ञान की नाव में बैठ करके हम इस भव सागर को पार कर पाएंगे। सरल में अगर हम देखें तो ये इसका मतलब वो बता रहे हैं। आगे कहते हैं दुराध्यम हरिम आराध्यति, जिन भगवान हरि की कृपा को प्राप्त करना दुराध्यम है, दुराध्यम मतलब बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल है, इन मंत्रों के जप के द्वारा, इन प्रार्थनाओं के जप के द्वारा वो कह रहे हैं कि भगवान हरि की कृपा बड़ी शीघ्र, बड़ी जल्दी जो है तुम्हें प्राप्त होगी। अन्यथा हमें पता है योगी लोग, ज्ञानी लोग बहुत जीवन के बाद में भगवान वासुदेव की प्राप्ति करते हैं, उनकी कृपा की प्राप्ति करते हैं, लेकिन भगवान शिव बता रहे हैं कि भक्ति के द्वारा जो भी व्यक्ति इन प्रार्थनाओं का उच्चारण करता है ध्यान पूर्वक श्रद्धा के साथ में, उसे जो है बहुत शीघ्र, जल्द ही भगवान की कृपा प्राप्त होगी। तो ये दूसरा जो है बता रहे हैं लाभ मिलेगा इन प्रार्थनाओं का जप करने से। तीसरा वो कहते हैं यत यत इच्छति सुप्रीतात श्रेयसाम एकवल्लभः, एकवल्लभात मतलब वो कह रहे हैं कि सुप्रीतात, इन प्रार्थनाओं के जप करने से भगवान संतुष्ट हो जाएंगे। प्रीति का मतलब होता है संतुष्ट होना, प्रसन्न होना, तो भगवान सुप्रीतात मतलब अत्यंत संतुष्ट हो जाएंगे, बहुत प्रसन्न हो जाएंगे। तब क्या होगा, श्रेयसाम, जो भगवान एकवल्लभात, जो सबके वल्लभ हैं, वल्लभ का मतलब जैसे आपने सुना होगा वृंदावन में भगवान वल्लभ जी का मंदिर है, तो वल्लभ का मतलब होता है जो भगवान अत्यंत प्रिय है, एक वल्लभ, तो वो भगवान अत्यंत संतुष्ट हो जाएंगे। और श्रेयसाम, जो हरेक प्रकार के उत्तम आशीर्वाद हमको प्रदान कर सकते हैं,
वो भगवान जो हैं क्या करेंगे, यत यत इच्छति, जो भी हमारी इच्छा है भगवान उसे पूर्ण करेंगे। भगवान के भक्त की तो कोई भौतिक इच्छा तो नहीं रहती है, लेकिन फिर भी भगवान जो हैं अपने भक्त के लिए कोई कमी नहीं रहने देते हैं। भगवान प्रसन्न होंगे सुप्रीतात एकवल्लभात, और भगवान जो अत्यंत अपने भक्तों को प्रिय हैं श्रेयसाम, जो भगवान उत्तम आशीर्वाद प्रदान कर सकते हैं, यत यत इच्छति, जो हमारी इच्छा है भगवान पूर्ण करेंगे। तो ये तीसरा जो है लाभ बताते हैं। चौथा वो कहते हैं मुच्यते कर्म बंधन ही, व्यक्ति जो है कर्म के बंधनों से मुक्त हो जाएगा। कर्म के बंधनों से मुक्त होना बहुत मुश्किल है, लेकिन भगवान की भक्ति उसके अंदर में इतनी ताकत है। कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजम, भगवान की भक्ति मात्र करने से कर्म के बंधनों से हम मुक्त हो जाते हैं। ये चौथा लाभ है। और वो कहते हैं पांचवा, जपंतः एकाग्र धिया, अगर तुम बड़े एकाग्र हो करके एक मन लगा करके इसका जप करते हो, तपः महत, जितनी भी महान तपस्याएं हैं उन सब का भी फल तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। मतलब बड़ी बड़ी तपस्या करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अगर हम भगवान शिव के द्वारा भक्ति के साथ में इन मंत्रों का, अगर हम प्रार्थनाओं का जप करेंगे तो। और अंत में कहते हैं अन्ते ततः आपस्य अय इप्सितम्, जो भी तुम्हारे मनुष्य जीवन का अंतिम लक्ष्य है भगवान की भक्ति की प्राप्ति, वो भी जो है तुम्हें प्राप्त हो जाएगी। तो इतना कहने के बाद में अब भगवान शिव जो हैं अंतर ध्यान हो जाते हैं, चले जाते हैं। और अब ये प्रचेता जो हैं क्या करेंगे, ये नया अध्याय प्रारंभ होता है, तो उसमें हम उसकी चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा।